शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज गणेशोत्सव के बीच विविध मंडलों में भेंट देकर मंगल मूर्ति श्री गणेश का दर्शन लाभ लिया। उनके दौरे की शुरुआत कोपरखैरने के शिवसेना पदाधिकारी प्रवीण मात्रे के यहाँ गणपति दर्शन से हुई, जबकि तुर्बे नाका शिवसेना शाखा पर आयोजित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में दर्शनोपरांत समापन हुआ। उपनेता विजय नाहटा ने शिवसेना के वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी और किशोर पाटकर के यहाँ खास तौर पर भेंट दी। उन्होंने नवम्बईकरों के लिए सुखकर्ता श्री गणेश से मंगल की प्रार्थना भी की। देखिए झलकियां। गणेश उत्सव के बीच उपनेता विजय नाहटा ने आज नवम्बई के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों में भेंट दिया और मंगल मूर्ति श्री गणेश के दर्शन किए। विजय नाहटा ने अपने दर्शन दौरे की शुरुआत कोपरखैरने के शिवसेना पदाधिकारी प्रवीण मात्रे के आवास पर विराजित गणपति दर्शन से की। उसके पश्चात उपनेता विजय नाहटा ने कोपरखैरने में आयोजित शीतल सूर्यकांत कचरे के गणेशोत्सव मंडल में भेंट दिया, जहाँ उनका सत्कार किया गया। विजय नाहटा का काफिला वासी के साई श्रद्धा सेवा संस्था द्वारा आयोजित गणेश उत्सव मंडल में भी पहुंचा, जहां दर्शन के बाद उन्होंने ज्ञानेश्वर कवले, हर्षद तेलोरे और संदेश रेनोसे के आवास पर भी गणपति बप्पा के दर्शन का लाभ लिया। उपनेता ने वासी में किशोर पाटकर के नेतृत्व में आयोजित रियल एस्टेट एसोसिएशन के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में भी भेंट दी। वासी के बाद विजय नाहटा ने तुर्बे में A2 टाइप गणेशोत्सव मंडल और तुर्बे स्टोर्स में स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा आयोजित नौ युवक मित्र मंडल के गणेश पंडाल में भी मंगल मूर्ति के दर्शन किए। उपनेता ने शिवसेना पदाधिकारी रामा सेठ वाघमारे, उत्तर भारतीय सेल के संगठक कमलेश वर्मा, प्रदीप वाघमारे एवं प्रवीण कामले के साथ शिवसेना शाखा तुर्भेनाका और आर्यंस मित्र मंडल के गणेशोत्सव में भी हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने इंदिरा नगर में आयोजित श्री गणेश मित्र मंडल के उत्सव में शामिल होकर गणपति बप्पा का दर्शन किया। तमाम गणेश मंडलों में दर्शन के बाद उपनेता विजय नाहटा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कोरोना मुळे गणेशोत्सव भक्ताला पाहिजे तसा साजरा करता येत नव्हता। हे पहिलंच वर्ष असं आहे की या वर्षी मोकळेपणानं गणेशोत्सव आपण सगळे साजरा करतो, मनोभावे साजरा करतो आणि आपण पाहिलं असेल संबंध महाराष्ट्रामध्ये अतिशय उत्साहाचं वातावरण हे मागचे 4-5 दिवस गणपती बसल्यापासून आणि आणखीन पुढचे 4-5 दिवस राहणार आहे। नव्या मुंबईमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल सर्वत्र हजारोच्या संख्येने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने गणपती बसवलेले आहेत आणि आज सगळीकडे आम्ही कोपरखैरने असेल, वाशी असेल, तुर्बे असेल, सगळीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मंडळांना भेटी दिल्या। कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि दिवसेंदिवस सगळ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण पाहतो की अतिशय चांगले देखावे, प्रबोधन करणारे देखावे वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखवले जातात। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।